सियासत के संकट ने जनता का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये शब्द रोजाना मेहनत मजदूरी करने वाले पाकिस्तान के किसी आम नागरिक के नहीं हैं, जिनके लिए अब दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। ये शब्द हैं पेशावर के एक बड़े कारोबारी अयूब ज़कोड़ी के, जो ज़कोड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक हालात का असर देश के हर वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए लोग देश के वर्तमान सियासी संकट को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन क्या नेता भी ये मानते हैं कि बिगड़ते हालातों के लिए जिम्मेदार वो खुद हैं, या इसके लिए सत्ता खुद को जिम्मेदार ठहराती है? जाहिर तौर पर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। अयूब पेशावर में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं। उन्होंने BBC से कहा कि आयात आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है कि कच्चा माल खरीदा जा सके। उनके अनुसार अब रमजान के महीने के बाद स्थिति उनके हाथों से निकल जाएगी और नौबत यहां तक आ पहुंची है कि उन्हें अपने कर्मचारियों को हटाना पड़ेगा। वो कहते हैं, हमारा कच्चा माल इस महीने के आखिर तक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास मटेरियल ही नहीं है। अब इसके बाद मजदूरों को घर भेजेंगे या फिर सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान में मौजूदा राजनीतिक संकट की शुरुआत उस समय हुई जब पिछले साल इमरान खान को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था और उनकी सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़कर 300 पाकिस्तानी रुपए के करीब हो गई है। देश में महंगाई दर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मार्च 2023 में महंगाई की दर 46% तक पहुँच चुकी थी। हालात इस मोड़ पर हैं कि आम लोग आटे के एक थैले के लिए कई कई घंटों तक कतारों में खड़े रहते हैं। रोटी के लिए लंबी लाइनों में भगदड़ मचने के बाद अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मगर ये सवाल जब नेताओं के सामने रखा जाता है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में राष्ट्रीय असेंबली में खुलकर एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया था। कुछ इसी तरह की बात राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य अली वजीर ने भी BBC से कही। अली वजीर कहते हैं कि वो गठबंधन वाली उस सरकार के नुमाइंदे हैं जो अभी सत्ता में है, मगर वो इस सरकार के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ के सख्त खिलाफ हैं। उनके अनुसार वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए कई बार अनुरोध कर चुके हैं ताकि वो उन्हें उन वादों के बारे में याद दिला सकें जो लोगों से किए गए थे। अली वजीर समझते हैं कि देश को मौजूदा संकट से निकालने का हल भी सैन्य प्रतिष्ठान को सियासत से दूर करने में ही है। BBC ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ सदस्य ख्वाजा आसिफ से यही सवाल पूछा कि क्या उनकी सरकार वर्तमान संकट के लिए खुद को जिम्मेदार समझती है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा, क्या आप इमरान खान को उन बातों की जिम्मेदारी से छूट देने की कोशिश कर रहे हैं जो वो कर गए हैं? जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि सरकार अपने रवैये में लचीलापन क्यों नहीं दिखा रही, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश कई बार की गई है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की है कि इमरान खान के साथ बातचीत की जाए, मगर उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आती। वो खुद को ही सर्वे सर्वा समझते हैं। इन सारे तर्कों के बीच देश में गरीब, मिडिल क्लास और अब तो साधन संपन्न वर्ग भी तेजी से आर्थिक बदहाली की तरफ बढ़ रहा है।